नमस्कार साथियों, अभी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक केयर रिलीफ फंड का आयोजन किया गया है कि जिसमें सभी हमारे देश में जो एक राष्ट्रीय आपदा आ गई है, राष्ट्रीय आपदा क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसमें दान और सहयोग करना चाह रहा है कि जिससे इससे प्रभावित लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था और बाकी बहुत सारा इंतज़ाम किया जा सके। तो केवल आप आर्थिक रूप से यदि कुछ धनराशि देते हैं इसमें तो ही केवल ये सहायता नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप कोरोना के बारे में भ्रामक बातें नहीं फैलाते हैं या फिर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है तो उसको उसकी जानकारी डॉक्टर तक पहुंचाते हैं या फिर आप लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करते हैं तो भी एक सरकार की बहुत बड़ी सहायता होगी। नहीं तो सरकार अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग जो भी है वो दूसरे कामों में लगा रही है, वो सही दिशा में वो नहीं जा पा रही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि यदि आपके घर में कोई काम वाले हैं जो जिनको आप अभी कोरोना वायरस के डर से घर पे नहीं आने देना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम कहीं भी आप डोनेशन दें, लेकिन सबसे पहले इनकी हालत पर भी थोड़ा गौर करें कि वाकई इनको भी पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। भले ही ये काम पर नहीं आ रहे हैं लेकिन कम से कम आप इनसे पूछ लें कि भाई क्या पैसे की ज़रूरत है, कुछ खाने की ज़रूरत है या कुछ और यदि आप सहायता कर सकते हैं तो इनको सबसे पहले, क्योंकि चैरिटी का शुभारम्भ घर से होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में या फिर आप राहत कोष में आप दान दे रहे हैं तो वो कब तक पहुंचेगा, राहत उसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है इसमें देर सबेर हो जाए। लेकिन यदि आप अपने घर वाले किसी व्यक्ति को सीधे हाथों से कि भैया एक महीने एक दो महीने की उसको सैलरी एडवांस दे देते हैं या फिर उसके खाने पीने का प्रबंध कर देते हैं तो ये एक सीधी तरीके से आपकी एक देश को ही सहायता होगी। क्योंकि आपके जो साल भर घर में काम करता है वो भी ज़रूरतमंद है, उसको भी पैसे की ज़रूरत है, उसको भी खाने सामान की ज़रूरत है, तो ये सीधे सीधे आप उसकी मदद कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि बहुत अलग अलग तरीके से हैं आप सरकार की मदद कर सकते हैं, केवल राहत कोष में दान नहीं, इसके अलावा आप अपना खुद का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, आसपास जो भी है साफ़ सफाई रखें। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, यदि आप काम से लौटते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से सैनिटाइज करके ही घर में प्रवेश करें। ये सब मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।